आदरणीय, मैं हूं जहांगीर लोदी, नुमाइंदा सफीर पाकिस्तान। आज मैं न्यूयॉर्क मिशन से रिपोर्ट कर रहा हूं। आज 23 मार्च को यौम जमहूरिया के मौके पर रवायती अंदाज के अंदर मिशन कौंसलेट के अंदर एक पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। नाज़रीन, हमारे साथ यूएनओ के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसडर मलिया लोदी साहिबा मौजूद हैं। आइए आपकी इनकी मुलाकात कराते हैं सफीर पाकिस्तान में। और ये हमारे मुल्क का एक सरमाया भी हैं, तो आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं। मलिया लोदी साहिबा जी, मलिया, शुक्रिया आपने मुझे कहा, लेकिन असल सरमाया हमारे मुल्क का तो हमारी कम्यूनिटी है। मैंने यहाँ जब सर्व किया तो मैंने देखा कि कम्यूनिटी किस तरह से, कम्युनिटी की प्रोग्रेस हो रही है, पेशरफ्त हो रही है, मुख्तलिफ फील्ड्स में गई है कम्युनिटी। मगर जब मुझे इस दफ़ा जब मैं आई तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि कम्युनिटी अभी भी पाकिस्तान से इतनी कनेक्टेड है। और हमारी जो थर्ड जनरेशन है, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जो कि यहाँ पैदा हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करें। अच्छा मलिया रोजी साहब, आप पहले पाकिस्तान की एम्बेसडर भी रही हैं वाशिंगटन में, आपने एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। आज एक नए सफ़र के साथ मैं कह सकता हूँ कि अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर आप एक बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ पर आई हैं, आप कैसा फील कर रही हैं इस दोनों ओहदों के अंदर दरमियान? मैं समझती हूँ कि ये नया सफ़र है, आपने ठीक कहा, इसलिए कि मैं बायलैटरल, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, वो तो मैंने किया बाहमी ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन ये एक नया तजर्बा है मेरे लिए, तो प्रोफेशनल चैलेंज बहुत बड़ा है मेरे लिए। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी टीम जो है यहाँ पर मिशन में, जो हमारी यूनाइटेड नेशंस के लिए मिशन है, वो बहुत अच्छी टीम है, तो उनके साथ ही मैं मिल के आगे जा सकती हूँ। इसलिए कि देखें, एक अलग एक शख्स या एक इनफराद तो कुछ नहीं कर सकता, जब तक टीम आपकी मजबूत ना हो। तो मैं उनसे सीख भी रही हूँ अब, और कुछ कुछ सिखा भी रही हूँ, दोनों तरफ चल रहा है मामला। और मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान का नाम और रोशन करें, पाकिस्तान के जो मफाद हैं उनका तहफ़ करें, और पाकिस्तान की इस तरीके से प्रोजेक्शन करें कि जो मिसपरसेप्शन हैं हमारे मुल्क के बारे में, उनको दूर किया जाए। वो ख़ास एक अहम पैगाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को देना चाहेंगे। आपको मालूम है मैं भी जियो से मेरा ताल्लुक़ रहा है, और जंग न्यूज़ ग्रुप से तो मैं बहुत ही अरसे से मेरा ताल्लुक़ रहा है, और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि मैं मुख्तसर अरसे के लिए जा रही हूँ सफारतकारी में, वापस तो सहाफ़त में ही जाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है उससे बहुत से लोगों को जो मालूमात उनके पास नहीं है, उस मालूमात में उनका इजाफा होता है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो यंगर जनरेशन है उनको ज़रा ज़्यादा लाएँ, उनके बारे में ज़्यादा आप बताएँ लोगों को, और जो हमारी कम्युनिटी के रोल मॉडल्स हैं, वो लोग जो कि कामयाब हुए हैं यहाँ पर और अपनी मेहनत से, मैं समझती हूँ कि उन लोगों के बारे में हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए, और यंगर जनरेशन के जो रोल मॉडल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिया लोदी साहब। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान कौंसलेट न्यूयॉर्क के कौंसल जनरल अली इजाज़, राजा अली इजाज़ साहब मौजूद हैं।
जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपने सब पाकिस्तानी बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों को आज के दिन के हवाले से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दिन की अहमियत हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है जी। 23 मार्च पाकिस्तान के लिए वो रेजोल्यूशन पास हुआ जो एक बहुत ही छोटे से अरसे में, 7 साल के अरसे में ये इम्प्लीमेंट हो गया और यूं 1947 में हमें अपना मुल्क मिला। आज के दिन जहां हमें खुशी है वहां हमें अपने फोर फादर्स, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स को याद रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके साथ साथ उन लोगों को भी याद करने की ज़रूरत है जिन्होंने अपनी जान, माल और ज़िंदगियों की कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। तो वंस अगेन मैं आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ 23 मार्च के मौके।